नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिंधी समाज के चालिया साहब का व्रत आशीष तालाब पर बड़े भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। यह व्रत 40 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को तालाब पर किया जाता है, फिर नदी पर जल देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा के लिए सफल ग्रुप की ओर से आशीष तालाब में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा को एक नाव में विराजमान किया गया है, जिसकी लोग पूजा अर्चना विधिवत कर रहे हैं। जेको रोज बहाया नैन सिक सजन ऐसूर त्रै अखर हिकड़ा। वही सफल ग्रुप के मालिक संजय असराणी के साथ अणुशक्ति नगर के विधायक तुकाराम काते और चेंबूर के विधायक प्रकाश बाबू पात्रे पर आशीष तालाब पर भगवान झूलेलाल की पूजा आराधना करने पहुंचे। सफल ग्रुप के इस प्रयास की वजह से सिंधी समाज के लोगों में खुशी की लहर नजर आई। आपको यह भी बता दें कि संजय आसरानी और वरुण आसरानी की माता मंजू विनोद आसरानी की यह दिल्ली तमन्ना थी कि आशीष तालाब पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमा विराजमान हो, और उसे इस बार विराजमान किया गया है। आइए जानते हैं संजय असरानी के साथ दर्शन करने आए विधायक तुकाराम काते और विधायक प्रकाश पात्रेकर ने क्या कहा। इधर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक अपना जुलाई का चलता रहता है। इधर हमको बहुत सहयोग है, प्रकाश भाई का, संजय भाई का, सफल ग्रुप का बहुत सहयोग है। सफल ग्रुप ने पूरा नाव भी एक टाइम रखा, फर्स्ट टाइम उन मम्मी जी ने हमारे लिए बहुत काम किया। इधर उन्होंने बहुत कष्ट करके इधर अपना खड़ा होकर बनवाया, ये नहीं तो किसकी हिम्मत नहीं थी बनाने की, ये उनकी हिम्मत है जो सब बनाई। ये सोल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आज हम फर्स्ट टाइम हुआ ये इतना वर्ष के अंदर कि नाव पानी में डूबड़ी है। आज 40 दिन का पूजा पूरा हमारा सिंधी समाज जो है वो करते है। झूलेलाल महाराज जी का आज जो तालाब में जो मूर्ति बिठाया है उसका सभी श्रेय हमारे संजय भाई की माता जी है, उनका है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि कौन सा भी हालत में तालाब में झूलेलाल महाराज जी बैठना चाहिए। हम लोगों ने सभी पुलिस स्टेशन का परमिशन लेके आरसीएफ बहुत सारा नाटक कर रही थी, लेकिन आरसीएफ को सबको समझा कि हम लोगों ने ये पूजा का जो बड़ा त्यौहार है वो किया है। मैं सभी सिंधी बांधवों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी सब 40 दिन का जो उपवास उन्होंने किया है वो सभी सफल हो जाए, इतना ही टाइम में कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा जिससे झूलेलाल की पूजा और ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके। हमारे संजय भाई जो है, संजय असरानी जी, उनको हम लेके ये तालाब का जो आरसीएफ के ताबे में है, लेकिन आरसीएफ को हमको विनंती किया है और खासदार राहुल शौर्य हम लोग मिल के इसको ऐसा डेवलप करेंगे कि अगला टाइम कुछ अच्छा दिखेगा इधर। कोई ऐसा मुझे लगता है भगवान का, झूलेलाल महाराज का जो आशीर्वाद है उससे ऐसा लगेगा कि कुछ इधर अच्छा बनना चाहिए, ऐसा मेरे भी ख्याल में है और भगवान को भी ऐसा लगेगा कि इधर कुछ अच्छा होना चाहिए। आज ये झूलेलाल जे हैं ये मत्स्यरूपी अवतार है आणि हा कृष्णाचा अवतार है आणि याला सिंधी लोक, सिंधी बांधव झूलेलाल म्हणून संबोधले जातात आणि याला ह्या 40 दिवसाचा त्यांचा जो उत्साह असतो त्या उत्साहामध्ये लोक, सगळी लोक त्यांची मिरवणूक काढतात आणि या इथे जी हे तळ आहे या ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघताय आज सुंदर असं काश्मीरचा नजारा त्यांनी केलेला आहे आणि हा जो नजारा हा असरानी, संजय असरानी आणि वरुण असरानी यांच्या माता यांनी यांचं श्रेय जातं आणि असरानी कुटुंबाला जातं। आणि दरवर्षी मी जेव्हा या इथे झूलेलाल येतात तेव्हा मी यांच्या सोबत असतो भजन कीर्तनामध्ये आणि त्यांचा आशीर्वाद घेणं
हे महत्त्वाचं असतं। आणि जसं इकडचं सगळं जे सिंधी बांधव आणि सिंधी बांधव हे कॅम्प आणि इतर सगळं आज मी निवडून आल्यानंतर या एम एस बिल्डिंगसाठी पहिल्यापासून मोर्चा काढला आणि आपण आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत। त्याच्यासाठी असरणी साहेब आहेत, ते पण मेहनत करत आहेत आणि ते पण याच्यामध्ये लक्ष देत आहेत। जर झुलेलालचा आशीर्वाद झाला तर लगेच त्यांचा बेडा बार होऊन जाईल असं त्या झुलेलालकडनं त्यांना आशीर्वाद देऊ आणि त्यांनी ते पूर्ण करावं अशी त्या झुलेलालकडे एक प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।